नारसेन विकास खंड कार्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों का सम्मान करना है। इस मौके पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर देश शहीदों को याद किया गया। साथ ही नारसेन विकास खंड के प्रत्येक गांव से मिट्टी और चावल इकट्ठे किए गए। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि करविंद चौधरी ने कहा कि प्रत्येक गांव से मिट्टी और चावल इकट्ठे करके भारत सरकार द्वारा दिल्ली में बनाए जा रहे उपवन के निर्माण के लिए भेजे जाएंगे, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक के दिल में देश प्रेम की भावना जागृत होगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। माननीय मोदी जी का विशेष कार्यक्रम मानते हुए अपने क्षेत्र के जितने भी शहीद हैं उन्हें नमन करते हुए और हर गांव से मिट्टी लेकर हमें दिल्ली पहुंचानी है। उस दिल्ली में एक उपवन जो बना रही है भारत सरकार, उसमें सब गांव की मिट्टी जाए, हर घर से मिट्टी जाए। ये एक उद्देश्य यह है कि हर लोगों को उस जगह से जो वहाँ पर शहीदों की याद में बन रहा है उससे जुड़ा हो, और हम लोग भी सब जगह से मिट्टी लेकर आए, और हम लोग भी यहाँ पर अपने ब्लॉक में जितने भी मेरे क्षेत्र के शहीद हुए हैं उनका एक स्मारक हम भी बनाने जा रहे हैं। सब लोगों की प्रेरणा, सब लोगों का सहयोग, मेन उद्देश्य यह है कि लोगों में जागृति है। आज विकास खंड नारसन में जिला हरिद्वार के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया था। इसमें विगत माह प्रत्येक ग्राम पंचायत में घर घर से मिट्टी और चावल को एकत्र कर रखा गया था, और 1 तारीख से 13 तारीख तक इसे विकास खंडों में संग्रहण होना था, जिसमें चावल और मिट्टी का विलय करके एक बड़े कलश में एकत्रित किया गया है। और इस कलश को स्टेट पे 13 तारीख से और 27 तारीख के बीच में भेजा जाएगा, तो इसके लिए हम भेजेंगे, और उसके बाद स्टेट से इसको दिल्ली भेजा जाएगा, जहां शहीदों के निकट इसमें सारे देश की मिट्टी को अमृत कलश के रूप में समापन के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी इसका समापन करेंगे। तो इसमें देश प्रेम से जुड़ा हुआ था, शहीदों को सम्मान देने का ये कार्यक्रम है।